Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, and today we are going to start Unit 4th of 2nd paper of Botany of B.Sc. 2nd year, and we will study an introduction to cereals. Unit 4th mein hume economic botany ke kuch important plants ke baare mein padhna hai. Isme pehli category hai cereals. सेकेंड कैटेगरी है पल्सेस. थर्ड कैटेगरी में फाइबर्स के बारे में पढ़ना है. फोर्थ में वुड के बारे में पढ़ना है. फिफ्थ में हमें पेपर के बारे में पढ़ना है और सिक्स्थ में हमें शुगर यील्डिंग इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीरियल्स से. सीरियल्स एंड मिलेट्स. सीरियल्स एंड मिलेट्स क्या होते हैं? सीरियल्स अन्न के दाने, अनाज जिसे आप कह रहे हैं, और मनुष्य की लाइफ का सीरियल्स और मिलेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट फूड टू मैन. तो सीरियल्स सीरेलिया मोनेरा शब्द से आया है. इसे कहा जाता है इट्स अ गिफ्ट ऑफ सीरीज विच वॉज अ रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. उसके नाम से इन्हें सीरियल्स नाम दिया गया. और जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन सभ्यताएँ थीं वे भोजन के लिए सीरियल्स के ऊपर निर्भर थीं. जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियंस, बेबीलोनियन, असायरियंस, कैलेडियन, इजिप्शियन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, दे वर डिपेंडेंट ऑन वीट एंड बार्ली. तो गेहूं के ऊपर और जौ के ऊपर वे डिपेंडेंट थे अपने भोजन के लिए. उसी प्रकार से इंडिया, चाइना और जापान में जो सभ्यताएँ थीं वे चावल को भोजन के रूप में प्रयोग में लेती थीं. और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर वहाँ की सिविलाइजेशंस मेज अर्थात मक्का को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करती थीं. तो व्हाट आर दीज सीरियल्स? ये सीरियल्स है क्या? अनाज जो हम खा रहे हैं, जिसे अन्न के दाने हम कह रहे हैं, ये है क्या? दीज आर प्लांट्स विच बिलोंग टू फैमिली पोएसी अर्थात जिस फैमिली को हम ग्रास की फैमिली के नाम से जानते हैं, जिस फैमिली में सारी ग्रासेस आती हैं. तो वो जो घास की फैमिली, उसका पुराना नाम ग्रामिनी था. उस ग्रामिनी फैमिली को वर्तमान में पोएसी कहा जाता है. तो जितनी भी कल्टीवेटेड ग्रासेस हैं पोएसी की, वे हमें अनाज के रूप में भोजन प्रदान करती हैं. वे सीरियल्स की कैटेगरी में रखी जाती हैं. और हम जानते हैं कि पोएसी फैमिली मोनोकॉट्स के अंतर्गत आती है. ये एक बीजपत्री पौधे हैं सारे, जितनी भी ग्रासेस हैं, दे ऑल आर मोनोकॉट प्लांट्स, एक बीजपत्री हैं. और इन सीरियल्स का जो भाग हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इसका फ्रूट या इसका सीड. हम इसे जो भी कहें वो एक ही होगा, फ्रूट या सीड, या इसे ग्रेन भी कहते हैं, अन्न का दाना भी हम कहते हैं. तो इसका फ्रूट है कैरियोप्सिस फ्रूट, जो एक विशेष प्रकार का फ्रूट है जिसमें फल भित्ति और बीज भित्ति दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, अर्थात पेरिकार्प इज यूनाइटेड विथ सीड कोट. तो इस वजह से उसे फल भित्ति और बीज भित्ति जब जुड़ी हुई है तो इसे फल कहें या बीज कहें वो एक ही बात है. तो कैरियोप्सिस जो इसका फ्रूट है, जो इसका सीड है, वही हम भोजन के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं. और ये जो सीरियल्स हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, हम इसे भोजन के रूप में क्यों इस्तेमाल ले रहे हैं? बिकॉज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अप टू 72%, इवन अप टू 75% तक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और फिर प्रोटीन सेकंड, लगभग अप टू 12% प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर मिलती है. और इसके अलावा कई मिनरल्स भी मिलते हैं, खनिज तत्व और विटामिन्स भी इन सीरियल्स में, इन अन्न के दानों में मिलते हैं. तो मैक्सिमम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो आप जानते हैं कि हम लोग भोजन में कहते हैं कि दाल और चावल का हमने प्रयोग किया, चावल के साथ हमने दाल खाई, तो चावल तो हो गया सीरियल क्योंकि वो मोनोकॉट है, पोएसी फैमिली का पौधा है. और दाल हो गई पल्सेस के रूप में अर्थात फेबेसी फैमिली का पौधा. तो दालें प्रोटीन में रिच हैं और चावल जो है कार्बोहाइड्रेट में रिच है. तो आप इससे आपको दोनों का बैलेंस हो गया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच आपकी डाइट हो गई. और आप चावल जब खा रहे हैं तो उसमें घी डाल के खा रहे हैं, तो उसमें आपने लिपिड भी डाल दिया. तो आपको तीनों ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारी बॉडी के हैं वो मिल गए, प्रोटीन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गए और फैट भी मिल गया. तो इस तरीके से हमारी बैलेंस डाइट होती है. तो कार्बोहाइड्रेट देने वाले ये सारे हैं जो हैं वो मोनोकॉट पौधे हैं, सीरियल्स जो कि पोएसी फैमिली के पौधे हैं. और खासियत ये है
कि दे हैव अ ग्रेट एडेप्टेबिलिटी. ये पौधे वेरियस इकोलॉजिकल हैबिटेट्स में आराम से ग्रो करते हैं और इस वजह से सीरियल्स को मैक्सिमम ग्रो करके उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड टू मैन, जो हम जानते हैं, और पहले तो इसे पर्चिंग और पॉपिंग के लिए यूज में लिया जाता था, परंतु वर्तमान में तो आप देखेंगे सीरियल्स के बहुत सारे उपयोग आपको नजर आएंगे. विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम इन अन्न के दाने का प्रयोग भोजन में करते हैं. और इन सीरियल्स की खासियत क्या है कि इनके जो बीज हैं बड़े कॉम्पैक्ट हैं और ड्राई सीड्स हैं और मॉइस्चर कंटेंट कम है, इस वजह से उसे लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं. तो इस वजह से आप उसको जैसे दालों को स्टोर करेंगे परंतु बहुत लंबे समय तक दालें स्टोर नहीं हो पाएंगी, पर जैसे आप गेहूं को स्टोर कर रहे हैं तो वो फिर भी आप उसको लंबे समय तक स्टोर इजीली कर सकते हैं. और इस ये कैपेसिटी होने की वजह से भी सीरियल्स को फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. द रिलेटिव ईज ऑफ देयर कल्टिवेशन एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत ईजिली उसको कल्टिवेट किया जाता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर, अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है, तो वो भी उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ड्राई सीड्स से. तो इसके लिए भी सीरियल्स को बड़ा फेवर किया जाता है. और इन पौधों की, सीरियल्स के जो पौधे हैं, जो ग्रासेस हैं, उनकी टिलरिंग हैबिट होती है, इस वजह से उनको लार्ज क्वांटिटी में एक ही खेत में ग्रो कर सकते हैं. एंड द यील्ड इज मोर इन पर यूनिट एरिया. तो अगर दूसरी क्रॉप्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट एरिया जो आप इसकी उत्पादकता को अगर देखें तो सीरियल्स की उत्पादकता ज़्यादा होती है प्रति क्षेत्रफल के हिसाब से. तो ये इसीलिए सीरियल्स की हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है. और मेजर सीरियल क्रॉप्स जो वर्ल्ड में इस्तेमाल की जा रही हैं, यूज में ली जा रही हैं, वो हैं वीट, राइस एंड मेज, अर्थात गेहूं, चावल और मक्का, जो वर्ल्ड में मैक्सिमम यूज की जाती हैं. और कुछ माइनर सीरियल क्रॉप्स हैं वो भी यूज में ली जाती हैं, उसमें हैं बार्ली, ओट एंड राई. तो बार्ली जिसे आप जौ के नाम से जानते हैं, ओट जिसे जई के नाम से जानते हैं, एविना सेटेवा, और राई सीकेएल सीरियल, तो इसे भी हम यूज में लेते हैं. तो ये कुछ मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं, वीट, राइस एंड मेज. देन मिलेट्स, मिलेट्स जिसे मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं, ये स्मॉल सीडेड सीरियल्स हैं, यानी इनके बीजों का आकार बहुत छोटा होता है और बेसिकली तो ये फॉरेज ग्रासेस के रूप में कैटल को खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मिलेट्स ये ग्रासेस हैं, परंतु इनके दानों का प्रयोग भोजन के रूप में मानव भी करता है और पशुओं को भी दिया जाता है. मिलेट्स की खासियत है कि दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट. तो सूखा पड़ गया है, पानी की कमी हो रही है, तो उस ऐसे एनवायरमेंट में भी मिलेट्स ईजिली ग्रो कर लेती हैं. दे कैन ग्रो प्रैक्टिकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इन्हें माना जाता है दे आर मोस्ट एंशियंट फूड ग्रेन्स विच वर ग्रोन इन चाइना सिंस 2700 BC. तो बहुत ही पुराना इनका इतिहास रहा है इनको ग्रो करने का, और इनका प्रोबेबल ओरिजिन ईस्टर्न एशिया बताया जाता है. तो वर्ल्ड की कुछ कॉमन मिलेट्स हैं जो यहाँ नाम लिख रही हूँ, इनके बॉटनिकल नेम भी हैं. पर्ल मिलेट जिसे आप बाजरा के नाम से जानते हैं, इसका नाम है पेनिसिटम टाइफॉइडिस, पहले पेनिसिटम अमेरिकन हम कहते थे. देन है इटालियन मिलेट या फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं, इसे कांगनी के नाम से आप जानते हैं, इसका नाम है सीटेरिया इटैलिका. फिंगर मिलेट, रागी के नाम से आप इसे जानते हैं, जो अभी वर्तमान में रागी के बिस्किट से लेके, रागी की पापड़ियों से लेके, रागी के कई सारे प्रोडक्ट्स बाजार में मिल रहे हैं, इसका बॉटनिकल नाम है यूलिसीन कैराकेना. देन डच मिलेट, पासपेलम स्क्रॉबिकुलेटम के नाम से जाना जाने वाला, जिसे कोडो के नाम से जानते हैं, इसे हमने हमारे एथनोबॉटनिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स में पढ़ा था. श्यामा मिलेट या श्यामा घास के नाम से जाने जाने वाला पौधा, एकाइनोक्लोवा कॉलोनम, और इसे हम जानते हैं, जब आपने एथनोबॉटनी के वीडियोस सुने होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये वो घास है जिसे बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में जो घास की रोटी बना के खाई थी वो इसी पौधे के दानों से बनाई के खाई थी. तो श्यामा मिलेट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रास है. देन जॉब स्टीयर्स, इसे वैजयंती के नाम से जानते हैं, वैजयंती की माला मिलती है बाजार में, तो कोइक्स लेक्राइमा जॉबी इसकी माला बनाई जाती है. तो ये कुछ पोएसी फैमिली की ये ग्रासेस हैं जिन्हें मिलेट्स के रूप में, इनके दाने बड़े छोटे छोटे होते हैं और मिलेट्स के रूप में जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, परंतु दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. और वर्तमान में इन्हीं ट्रेडिशनल ग्रेन्स को विभिन्न मॉडर्न डाइट्स में, मॉडर्न मार्केट्स में आप देखेंगे, चाहे इसे बिस्किट्स के रूप में आप देखें या मैगी के रूप में आप देखें या कई सारे सीरियल्स के रूप में देखें, ये सभी बाजार में आ रही हैं. देन उसके बाद एक और कैटेगरी है जिसे कहा जाता है सूडो सीरियल्स, या जिसे कूट अन्न या आभासी अन्न कहेंगे.
इन्हें सूडो सीरियल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये भी हम अन्न के दानों के रूप में इनको हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, परंतु ये मोनोकॉट पौधे नहीं हैं, ये डाइकॉट पौधे हैं, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो पहला अंतर है सीरियल से कि ये मोनोकॉट नहीं है, ये द्विबीजपत्री है। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, सीरियल्स का और सूडो सीरियल्स का। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं, दोनों में कम थोड़ी कम मात्रा में प्रोटीन और बहुत ही कम मात्रा में लिपिड्स मिलते हैं, और परंतु दोनों ही विटामिन्स में रिच हैं और मिनरल्स में रिच हैं। तो इस वजह से इन्हें सीरियल्स की कैटेगरी में रखा तो जा सकता है, परंतु मोनोकॉट नहीं होने के कारण इन्हें सूडो सीरियल कहा जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे आप कुट्टू के नाम से जानते हैं, और यूजली व्रत में आप इसके आटे का प्रयोग करते हैं और इसकी पूड़ी बना के या कहीं और प्रकार से इसको यूज करते हैं। इसे इंग्लिश में बकवीट कहते हैं और बॉटनिकल नेम इसका है फेगोपायरम एस्कुलेंटम फैमिली पॉलीगोनेसी। इसी प्रकार से एक और है प्लांट किनोआ, इसे किनोपोडियम किनोआ इसका बॉटनिकल नेम है और किनोपोडियोसी फैमिली का मेंबर है, और इसको भी सूडो सीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देन अमेरेंथ, जिसे आप चौलाई के नाम से या रामदाना के नाम से जानते हैं, अमेरेंथस की कई स्पीशीज हैं जिन्हें ऐसा यूज करते हैं, अमेरेंथस एजेंटिया जैसे, अमेरेंथ इसी फैमिली का पौधा है। ये भी न्यूट्रिशनली बड़ा रिच है परंतु डाइकॉट पौधा है। देन ट्रापा, ट्रापा को आप सिंगाड़ा के नाम से जानते हैं, बॉटनिकल नेम ट्रापा नेटेंस और ट्रापेसी फैमिली, और ये भी हम व्रत में स्पेशली इस्तेमाल करते हैं सिंगाड़े का हलवा बना के या इसकी पूड़ी बना के किसी भी प्रकार में, और ये भी कार्बोहाइड्रेट रिच पौधा है और बड़ा मिनरल्स में रिच पौधा है, परंतु सूडो सीरियल्स डाइकॉट पौधे हैं और केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होने के कारण इन्हें सीरियल के इक्विवेलेंट माना गया है। आपके कोर्स में दो सीरियल्स हैं, पहला है गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम फैमिली पोएसी, इसका हम क्या पार्ट यूज में ले रहे हैं, ग्रेन्स कैरियोप्सिस जिसे फ्रूट आप कह रहे हैं वो वीट के नाम से इसे इंग्लिश में जानते हैं, और दूसरा है जिया मेज जिसे आप मक्का के नाम से, मकई के नाम से, भुट्टे के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से मेज या कॉर्न भी हम कहते हैं। ये भी पोएसी फैमिली का पौधा है और इसके भी ग्रेन्स अर्थात कैरियोप्सिस फ्रूट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो जो हमारे सीरियल्स कोर्स में हैं इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, पहला वीट और दूसरा मेज। थैंक यू वेरी मच।